नमस्कार। पश्चिम बंगाल चुनावों पर यह खास पेशकश बंगाल युद्ध देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। बंगाल के 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी गई है। जी हां, बैरकपुर में पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी है, ये जानकारी मिल रही है, और इसके विरोध में धरने पर बैठ गए हैं कैलाश विजयवर्गीय। ये बड़ी खबर, ये बड़ी हलचल पश्चिम बंगाल से आपको हम बता रहे हैं। आए दिन पश्चिम बंगाल में पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरह से आमने सामने की स्थिति बनी है, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। 24 परगना से ये खबर आ रही है, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी गई। अब क्यों परिवर्तन यात्रा रोकी गई, इसको लेकर पुलिस का जाहिर है अपना पक्ष होगा, लेकिन फिलहाल यात्रा रोके जाने के विरोध में कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए हैं। अगर ये खींचतान आगे बढ़ती है तो कौन सा रूप लेगी, देखना होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल में खासतौर से बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता जैसे आमने सामने हैं, उसमें पुलिस की जो भूमिका है, सरकार प्रशासन पर जो सवाल है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है, और उसमें आए दिन नए आयाम जुड़ते चले जा रहे हैं, नए चैप्टर्स जुड़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बैरकपुर से। बंगाल युद्ध पूरे उफान पर है। 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकी गई है। बैरकपुर में पुलिस ने बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोक दी। और उस बीच कोलकाता में बीजेपी की रैली पर पथराव की खबर है। बीजेपी ने टीएमसी पर पथराव पर आरोप लगाया है, जाहिर है। पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया है, ऐसी खबर आ रही है। तो अलग अलग इलाकों से जो ये घटनाएं सामने आ रही हैं, जो ये खबरें आ रही हैं, फिर से एक बार आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि क्या हालात बने हुए हैं, क्या माहौल बना हुआ है चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में। बीजेपी की रैली पर पथराव की खबर है कोलकाता से, और वही तस्वीर उभर रही है। बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पथराव का आरोप लगाया है। तस्वीरें आप देखते जाइए, और एक एक करके जैसे जैसे पन्ने पलटिएगा, एक ही तरह की जो घटनाएं हैं वो होती हुई दिख रही हैं। जब बीजेपी पर हमला होता है तो टीएमसी पर आरोप लगाया जाता है, टीएमसी पर हमला होता है तो बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है, और कार्यकर्ताओं की भिड़ंत भी लगातार होती रहती है। हम सीधे आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, जहां पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता सब्यसाची मौजूद हैं। लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले जो यात्राएं हो रही हैं, जो रैलियां हो रही हैं, जो कैंपेन हो रहा है, उसे कवर कर रहे हैं सब्यसाची। आज दो खबरें हमने दिखाई हैं, और दोनों ही चुनाव से पहले माहौल के लिहाज से अच्छी खबरें नहीं है। हिंसा की घटनाएं पश्चिम बंगाल में नई बात नहीं है, लेकिन आज क्यों बीजेपी की परिवर्तन यात्रा रोकनी पड़ी, और बीजेपी की रैली पर वहां पर जो लोग मौजूद थे उन पर पथराव की भी खबर आ रही है, दोनों के बारे में क्या डिटेल्स? देखिए, पश्चिम बंगाल में लगातार जो है वो परिवर्तन यात्रा पे रोक लगाई जा रही है, परिवर्तन यात्रा को टारगेट किया जा रहा है। अगर आज घटना की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय जो परिवर्तन यात्रा कर रहे थे बैरकपुर में, तब उनको रोका गया था। आपको बता दें कि नेशनल सेक्रेटरी जो है कैलाश विजयवर्गीय, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी कापा मोड़ पे, जो कि आफ्टर उनका परिवर्तन यात्रा रोका गया तो कापा मोड़ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं पार्टी के दूसरे कार्यकर्ताओं के साथ। और जो पहले की घटना थी जहां पे पत्थरबाजी हुई, वो अर्जुन सिंह के रैली पे हुई, वो अमेर स्ट्रीट पे यानी शियालदा के पास एक जगह है जहां पे वो रैली कर रहे थे। इसी बीच कुछ टीएमसी के लोग थे जिन्होंने झंडे लेके प्रदर्शन कर रहे थे उनके रैली के विरुद्ध, और उसी बीच दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं में पत्थरबाजी भी शुरू हो गई, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। हालांकि अभी जो खबर मिल रही है वो जो सिचुएशन है वो नॉर्मलाइज हो चुकी है, भारी संख्या में कोलकाता पुलिस वहां पे तैनात किया गया है। लगातार यहाँ पे दो सवाल खड़ा करता है, एक है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर ने बार बार ये कहा था कि कोलकाता में चुनाव के दौरान वायलेंस बहुत ज्यादा है और कोलकाता पुलिस को एक्टिवली इसको रोकना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हमने देखा है इसी के कारण जो सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस हैं, इसीलिए सेंसिटिव एरियाज में ऑलरेडी डिप्लॉय होना शुरू हो चुके हैं, करीबन 12 कंपनी पहुंच चुकी है, 125 कंपनी डिप्लॉय होनी थी। लगातार हम देख रहे हैं जो परिवर्तन यात्रा को अटैक किया जा रहा है टीएमसी के कार्यकर्ता द्वारा। इससे पहले भी जो परिवर्तन यात्रा की जो गाड़ी थी उस पर बम फेंके गए, उसके गाड़ी के कांच टूट गए। दो बहुत बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, दो बड़े फैक्टर्स हैं, एक तो पुलिस की भूमिका जिसका जिक्र आप कर रहे हैं सब्यसाची, और दूसरा जो बड़े नेता है उनकी भूमिका पर भी लगातार बातचीत होती रहनी चाहिए। कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठे हुए, मैं आगे भी आपसे बात करूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ सब्यसाची। लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हुगली रैली में ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। बंगाल में टीएमसी गोलकीपर एक
खुद को गोलकीपर बताया है टीएमसी का और कहा है कि एक भी गोल बीजेपी नहीं कर पाएगी, बंगाल ही बंगाल पर शासन करेगा। ये बड़ा बयान ममता बनर्जी ने दिया है क्योंकि लगातार बीजेपी को बाहरी पार्टी बताने की कोशिश ममता बनर्जी करती आई हैं और इस संदर्भ में ये बयान उनका, उन्होंने कहा है कि बंगाल ही बंगाल पर शासन करेगा, मैं बंगाल में टीएमसी की गोलकीपर हूं, एक भी गोल बीजेपी नहीं कर पाएगी। और भी कई महत्वपूर्ण बातें ममता बनर्जी ने कही है और आपको याद होगा टोलाबाज का आरोप लगाया था, टोलाबाज होने का टीएमसी कार्यकर्ताओं नेताओं पर आरोप लगाया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसका जवाब ममता बनर्जी ने दंगाबाज कहकर दिया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है और ममता बनर्जी पीछे नहीं है जवाब देने में। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। केंद्र सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है, जबकि बंगाल सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। শিক্ষাশ্রী কে করেছে, শিশুর কাজের জন্য সংখ্যালঘুদের জন্য ঐক্যশ্রী কে করেছে, সবুজ সাথী কে করেছে সাইকেল বিনা পয়সায়, বারো ক্লাসের জন্য ট্যাব স্মার্টফোন কে দিয়েছে, বিনা পয়সায় রেশন কে দিচ্ছে, স্বাস্থ্য সাথীর কার্ড কে দিয়েছে এবং মেয়েরা তার গার্জিয়ান। বঙ্গাল কা বিকাশ তব তক সম্ভব নহি হ্যায় জব তক ইহাঁ সিন্ডিকেট কা রাজ রহেগা। বঙ্গাল কা বিকাশ তব তক সম্ভব নহি হ্যায় जब तक यहां टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, आर नय अन्याय, आर नय अन्याय, আমরা আসল পরিবর্তন চাই, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। এক হয়েছে, হয়ে বলছে জিতবে না, কিন্তু মিথ্যে কথা বলছে। তুমি যদি পলিটিক্যালি ফাইট করো তাহলে তোমার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কেন? নাও না, কজন ক্যারেস্ট করবে করো, তৃণমূলে আমার 20 লক্ষ ওয়ার্কার আছে, সবাইকে অ্যারেস্ট করে দাও, ইনক্লুডিং মি, আমাকে সবাইকে আমাদের অ্যারেস্ট করে জেলে রাখো। শোনো, তৃণমূল কংগ্রেস এমন রাজনৈতিক দল না, তুমি এই আদিশক্ত গ্রামে যদি আমায় গাছ করে পোতো আমি তোমার দিল্লিতে গিয়ে ওখানে মাথা তুলে দাঁড়াবো, এটা মাথা তুলে মাথায় রেখো। और आइए फिर से एक बार आपको हम सभ्यसाची के पास लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं सीधे। सभ्यसाची, ममता बनर्जी ने जो रैली की हमने सुनवाया हालांकि दर्शकों को, लेकिन वो बंगाली में अपनी बात रख रही हैं इसलिए कुछ लोगों को समझ में आया भी होगा, बहुतों को नहीं भी समझ में आया होगा, लेकिन आखिर लबोलुआब क्या था? ममता बनर्जी ने जो भाषण दिया उसमें क्या नरेंद्र मोदी के आरोपों का जवाब दिया उन्होंने?
जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो रैली था वो काउंटर रैली आप मान सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन पहले यहाँ पे रैली किए थे और उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ऐलान किया था कि हम इसी दिन इसी जगह पे रैली करेंगे और काउंटर रैली भी थी। और ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि दक्षिणेश्वर मेट्रो प्रोजेक्ट जो प्रधानमंत्री ने शुरू किया है वो दरअसल मैंने शुरू किया है, और लगातार आरोप और प्रत्यारोप उनके पूरे स्पीच पे बना हुआ था। वो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे आरोप लगा रही थी कि भाजपा लगातार सेंट्रलाइज्ड फोर्सेस का मिसयूज कर रही है, और अगर वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करना चाहती है तो बेशक अरेस्ट करे, हमारे पास 20,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हैं, तो सभी को अगर अरेस्ट करना चाहे तो अरेस्ट कर सकते हैं। तो लगातार ये जो तनाव है वो बना हुआ है, क्योंकि सीबीआई भी अभिषेक बनर्जी की वाइफ रुजिरा बनर्जी से भी क्वेश्चनिंग करी है। पूरे मामले को लेकर यह रैली था, और आज तृणमूल कांग्रेस में कई सारे जो टॉलीवुड के अभिनेता या अभिनेत्री हैं वो शामिल हुए, और क्रिकेटर मनोज तिवारी भी शामिल हुए टीएमसी में। तो लगातार टीएमसी और बीजेपी जो ग्लैमरस इफेक्ट है, ग्लैमर इफेक्ट यानी सेलिब्रिटी मूवी इंडस्ट्री, इनको टारगेट करी है, क्योंकि इनका फेस वैल्यू है और फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। तो इसी के कारण दोनों ही बीजेपी और टीएमसी चाहती है कि जो ठीक है, कई मोर्चों पर सभ्यसाची, कई मोर्चों पर पश्चिम बंगाल की जंग लड़ी जा रही है। वो भाषणों का मोर्चा भी है, वो विकास का मोर्चा भी है, और वो जो जांच चल रही है एजेंसियों के जरिए उसका मोर्चा भी है। बहुत शुक्रिया आपका सभ्यसाची इस पूरी जानकारी के लिए। हुगली की हम बात बार बार कर रहे हैं, आखिर हुगली बीजेपी और टीएमसी दोनों के लिए इतना खास क्यों है ये भी जरा समझ लीजिए। आखिर पहले प्रधानमंत्री मोदी और फिर ममता बनर्जी ने उसे चुना क्यों, उसके लिए आपको वहां का सियासी गणित समझना बहुत जरूरी है। हुगली का चुनावी गणित कुछ इस तरीके से है, विधानसभा सीटें 18 हैं यहां पर, लोकसभा सीटें 3 हैं, वोटर्स हैं 42,90,120, पुरुष वोटर्स की संख्या 22,04,000 है, महिला वोटर्स की संख्या 20,85,000 है। बड़ा इलाका है, और जाहिर है कि यहां पर वोटर्स को अपने पक्ष में करके बीजेपी और टीएमसी दोनों ही एज हासिल करना चाहते हैं। अब हुगली का चुनावी नंबर गेम भी जरा समझिए। साल 2016 विधानसभा चुनाव जब हुआ था, टीएमसी ने 16 सीटें यहां पर विधानसभा की हासिल की थी, कांग्रेस के खाते में गई थी एक सीट और सीपीएम के खाते में एक सीट गई थी। साल 2019 लोकसभा चुनाव, कुल 3 सीटें हैं यहां पर लोकसभा की, टीएमसी के खाते में 2 सीटें गई थी, बीजेपी को 1 सीट से संतोष करना पड़ा था, लेकिन वो भी एक अच्छी बड़ी बढ़त बीजेपी के लिए मानी गई। अब हुगली का अंगणित कुछ और भी समझिए आप। आबादी यहां पर 55,19,000 है, हिंदू वोटर्स हैं 83%, मुस्लिम वोटर्स की संख्या 16% है, अन्य वोटर्स 1% है, ग्रामीण जनसंख्या आप देखिए 66% है, यानी कि खेती किसानी में जो कुछ भी चल रहा है उसका एक बड़ा असर यहां पर हो सकता है। अगर बात हुगली को छूती है तो उसका ताल्लुक कोलकाता तक होना लाजमी है। कोलकाता पश्चिम बंगाल का ऐसा शहर है जहां से बीजेपी ने अपनी पश्चिम बंगाल में एंट्री पक्की की है। अब कोलकाता किसका होगा ये भी जरा कुछ आंकड़ों के जरिए आप समझिए। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी एंट्री यहां पर हुई, और उसके बाद उत्साहित हुई बीजेपी, आत्मविश्वास उसका बढ़ा। उत्तर बंगाल और राढ़ की 18 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, टीएमसी ने 22 सीटों पर विजय का परचम लहराया है। बंगाल में एंट्री के साथ बीजेपी दूसरे नंबर पर रही, कोलकाता की 3 लोकसभा सीटों पर टीएमसी का कब्जा है, और इसी चक्रव्यूह को तोड़ना चाहती है बीजेपी, और इसीलिए यह पूरा जतन हो रहा है। पश्चिम बंगाल में 294 विधानसभा सीटें हैं, 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है, यह आप ध्यान रखिएगा, और इसीलिए मुस्लिम वोटर्स को लुभाने के लिए जो पार्टियां हैं खासकर टीएमसी उसे अपने खाते में करने के लिए कोशिश कर रही है, और बीजेपी का जो गेम प्लान है वो भी आप आगे समझिएगा। 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, 46 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, 16 सीटें ऐसी हैं जहां पर 40 से लेकर 50% मुस्लिम वोटर्स की संख्या है, 33 सीटें ऐसी हैं जहां पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स हैं, 50 सीटें ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी कि वो प्रभाव डालते हैं चुनाव परिणामों पर। AIMIM ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाई है, अब ये कहा जा रहा है कि इससे सीधे बीजेपी को फायदा और ममता बनर्जी को नुकसान होगा। अब कुछ
जगहों की बात हम करते हैं, कुछ इलाकों में कहां पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद कितनी है। मुर्शिदाबाद आप समझ लीजिए 86% यहां पर 66% माफ कीजिए मुस्लिम वोटर्स की तादाद है। मालदा में यह आंकड़ा छूता है 51% को, यानी कि निर्णायक भूमिका में मुस्लिम समुदाय के वोटर्स हैं। दक्षिणी दिनाजपुर में 49% मुस्लिम वोटर्स हैं। कूच बिहार में 25% है मुस्लिम वोटर्स। बीरभूम में इनकी जो संख्या है वो करीब 37% के आसपास है। हावड़ा में 26% और नादिया में 26%, यानी कि यहां पर भी मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो प्रभावित कर रहे हैं वोट को और मतदान को भी, यानी कि नतीजों को भी प्रभावित कर सकते हैं। एक छोटे से